वेलकम टू एक्सीलेंट टीसीएस क्लासेस। हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष तिवारी। आज मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आज मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। इससे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, जैसे कि एसएससी सीजीएल एसएससी वगैरह जो आप पेपर देते हैं, और ग्रुप डी की रेलवे ग्रुप डी की जो आप पेपर देते हैं, वो सारे कंपटीशंस जो एग्जामिनेशन होता है उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अधिकतर क्वेश्चन आता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक को हमको समझना जरूरी है। वो कौन कौन सा टॉपिक है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है बायो डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, बायो डाइवर्सिटी ये स्टूडेंट्स पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसके बाद इसी बायो डाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। इसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम इसके बाद का जो टॉपिक आता है, पहले हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। इस बायोडाइवर्सिटी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड जो टॉपिक होगा वो सेकेंड टॉपिक होता है टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक जो है वो है टैक्सोनॉमी। मीन्स पहला बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे और सेकेंड जो है वो टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। अब इस टैक्सोनॉमी के बाद जो थर्ड पॉइंट, जो मीन्स थर्ड टॉपिक जो है, उस थर्ड टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, ये तीन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अगेन क्लासिफिकेशन के बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट, यहां पे ये चीज समझने वाली बात है कि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल पे पूछे जाते हैं, और इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ इनके अंदर के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे कि क्वेश्चंस, अधिकतर क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड टॉपिक है टैक्सोनॉमी, एंड अगेन थर्ड टॉपिक क्लासिफिकेशन, देन इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट, अब क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम ले रहा है तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं। स्टूडेंट, पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या होता है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देन स्टूडेंट, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने फर्स्ट जो पार्ट पढ़ा था वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो पहला हम लोगों ने जो पार्ट पढ़ा था वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका जो दूसरा जो सेकेंड पार्ट है वो है
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अगेन स्टूडेंट्स इन दोनों किंगडम क्लासिफिकेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद जो टॉपिक आता है हम लोग को जो पढ़ना है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस में आपके फाइलम आता है, किंगडम आता है आपके, उसके बाद डिवीजन है, उसमें क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, स्पीसीज है, ये सारे ऑर्डर है। मैं आपको इसको अरेंज करके मैं लिख देता हूं जिसमें कि आते हैं आपके फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्टूडेंट्स हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस में जो अरेंजमेंट होता है इसमें क्या होता है कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सिक्स जो ग्रुप होते हैं हायरार्की क्लासिफिकेशंस के, उनके बारे में हमको डिटेल में स्टडी करना है। इसके बाद हम इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आता है मेजर कैरेक्टर्स, वो होता है मेजर कैरेक्टर। किसका मेजर कैरेक्टर? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। किसका? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। मेजर कैरेक्टर ऑफ फाइव किंगडम, क्लासिफिकेशन, स्टूडेंट्स इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मेजर कैरेक्टर ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब मेजर कैरेक्टर ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इसमें जो पहला पार्ट हम लोग को पढ़ना है, पहले पार्ट में पढ़ना है टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए अब टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट होते हैं। इसमें होता है जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। जो सेकेंड होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल। देन स्टूडेंट्स ये जो आपका टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ना है। इसके बाद का जो टॉपिक आता है, देखिए स्टूडेंट्स कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले मैं लिखवा रहा हूं इसलिए क्योंकि वो आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आप उसको लर्न करिए। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें जो सीरियल वाइज जो मैंने टॉपिक लिखवा रहा हूं ना उस टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स तो यहां पे टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोकैरियोटिक सेल आता है, यूकैरियोटिक सेल आता है। इसके बाद जो हमको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड जो इसका पार्ट होता है, वो सेकेंड पार्ट होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन। देन स्टूडेंट्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल की बात हो रही है, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका की बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। कैसा स्टूडेंट होता है? यूनिसेलुलर होता है। सेकेंड जो है वो होता है मल्टी सेलुलर। कैसा होता है स्टूडेंट्स? मल्टी सेलुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, समझ आ रही है? इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में। यूनिसेलुलर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि दे दिया गया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम दे देगा जिसमें कि अमीबा दे देगा, पैरामीशियम दे देगा, सीलिएटेड ऑर्गन दे देगा, अमीबॉयड ऑर्गन दे देगा, पूछ देगा कि इसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस वीडियो का, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। इसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के जो बाद आता है स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। स्टूडेंट्स, इसके केस में क्या होता है, कह रहा है कि अब जो प्लांट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड में या तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, या तो वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। कैसा होता है? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। देन स्टूडेंट्स, आज मैं यहां पूरा टॉपिक मैंने आपको कराया डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यदि अगर मेरा आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो मेरा आज का लेक्चर, तो आप प्लीज मेरे चैनल एक्सीलेंट पीसीएस क्लासेस, आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिए एक्सीलेंट पीसीएस क्लासेस, लिंक और आप, मैं अपना वीडियो का लिंक जो है चैनल का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से ओपन कर करके लिंक को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बगल में बेल आइकन आएगा आप उस पर क्लिक करके आप मेरे जितने भी वीडियो आएंगे साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, ये सारे आपको वीडियो, चैप्टर वाइज वीडियो आपको मेरे चैनल एक्सीलेंट पीसीएस क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, यदि मेरा बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको मेरे वीडियो का मिलता जाएगा, देन आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, फिर मिल